नमस्कार, मैं आपके साथ हूं अपाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। सदर थाना क्षेत्र के मसूदपुर गांव में ग्रह कलेश के कारण एक विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे धौलपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक महिला महादेवी लोधा उम्र 28 साल पत्नी पुरुषोत्तम के परिजनों ने बताया कि महिला महादेवी की अपने पति से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। मंगलवार को जब पुरुषोत्तम मजदूरी करने जा रहा था तो उसने महादेवी को उठाया, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इस पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मृत घोषित होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। महिला की मौत होने पर सदर थाना पुलिस को भी सूचना दी गई, जिस सूचना पर अस्पताल पहुंची सदर थाना पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्यवाही की जाएगी। नरक में जी रहे हैं वार्ड नंबर 22 और 19 के बासिंदे। नगर परिषद धौलपुर के हाल आज भी बेहाल। धौलपुर जिले में कोई भी पार्षद और नेता बन जाए, लेकिन नगर परिषद धौलपुर के हाल आज भी बेहाल हैं। शहर का एक निजी विद्यालय गगन पब्लिक स्कूल शंकर कॉलोनी किरी जाटव बस्ती पुराना वार्ड नंबर 19 और 22 के वासिंदे आज भी नरक में जीवन जी रहे हैं। निजी विद्यालय के रास्ते में करीब 2 फीट पानी आज भी भरा हुआ है और नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं विद्युत का डीपी बॉक्स भी टूटे हुए है, नाले में लगा हुआ है। निजी विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक चलता है, जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ने आते हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान मुकेश कुमार सोलंकी का कहना है कि हमारे विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे नाले के पानी में से निकलकर विद्यालय पढ़ने आते हैं। वहीं टूटे हुए नाले में एक विद्युत का बॉक्स लगा हुआ है और लाइट के बॉक्स में 24 घंटे खतरा बना रहता है। विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे नाले में होकर विद्यालय पढ़ने आते हैं, जो कई बार नाले में गिरकर चोटिल भी हो गए हैं। और इस और नगर परिषद और विद्युत विभाग ने आंख और कान दोनों मूंद लिए हैं। नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 और 22 में आज भी इतनी गंदगी रहती है कि वहां होकर कोई व्यक्ति ठीक से होकर नहीं निकल सकता। गंदगी का आलम ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ जानवर, कुत्ते, सुअर गंदगी में मुंह मारते रहते हैं और वह नाले नालियाँ टूटे पड़े हैं, जिनका पानी 24 घंटे सड़क पर बहता रहता है। टूटे नाले में विद्युत का बॉक्स लगा हुआ है, जो हादसे को निमंत्रण दे रहा है। इस ओर नगर परिषद पार्षदों को और विद्युत विभाग को दिन में भी नहीं दिख रहा टूटे हुए नाले, लगे हुए विद्युत के बॉक्स। डीपी के द्वारा कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, तभी इनके आँख और कान दोनों खुलेंगे। इस ओर वार्ड नंबर 19 और 22 के पार्षदों को अपने वार्डों में ध्यान देना चाहिए और वार्डों में काम करवाना चाहिए, नहीं तो आने वाले आगे समय में कहीं भी कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काट की हड्डियां एक ही बार चढ़ती हैं, आगे से हम ऐसे व्यक्तियों को अपने वोट नहीं देंगे जो अपने उल्लू सीधा करके हमेशा के लिए भूल जाते हैं। यह बात स्थानीय निवासी संतोष जाटव, राजा सुखलाल फौजी, सुनील फौजी, लक्ष्मी धोबी, पप्पू सिंह, यूशी और अशोक आदि लोगों ने कही। शहर के 40 घरों में 36 घंटे पसरा रहा अंधेरा। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण वार्ड नंबर 26 स्थित विरजापाड़ा ग्वालियर गेट से लेकर दाऊजी मंदिर तक कॉलोनी एवं वार्ड वासियों ने 40 घरों को करीब 36 घंटे अंधेरे में रहना पड़ा। लोगों का कहना है कि इस समय विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को मोमबत्ती, दीपक एवं चिराग जलाकर जैसे खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क करवाना और अन्य जरूरी कार्यों को दीपक और मोमबत्ती की सहायता से किया जा रहा है, जिसमें गृहिणियों एवं पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
स्थानीय निवासी अतुल गुप्ता और उदय सिंह अग्रवाल उदय आदि लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग की JEN पूजा और अनूप कुमार के पास कॉल किया, लेकिन अधिकारियों ने फोन को नहीं उठाया। करीब 8-10 बार कॉल करने पर फोन उठा भी लिया और कहा कि ऊपर जयपुर कंप्लेंट कर दो, जबकि स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट पहले ही कर दी थी। लोगों का कहना है कि एक तो बच्चों की आगे परीक्षाएं भी आ रही हैं, कॉलोनी में कई घंटे तक इस तरह विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा। इस तरह से 35 से 40 घंटे तक लगातार लाइट बंद रहेगी तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य स्वर्ग से नरक बन जाएगा। स्थानीय लोग अतुल गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल, मुमताज खान, उदय सिंह, मान सिंह जाट और हौतम सिंह आदि लोगों ने बताया कि हमारी कॉलोनी बिरजा पारा ग्वालियर गेट और दाऊजी मंदिर के पास विद्युत की लाइन में फोल्ड हो जाता है और विद्युत की डीपी में फोल्ड रहता है, और हम लोग जब कॉल करते हैं तो विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हमारे फोन को नहीं उठाते और हमारी बात को अनसुनी कर देते हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तरह से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 35 से 40 घंटे तक लाइन बंद रहेगी तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य नरक बन जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम ठीक समय पर पूरा करना चाहिए। पॉलिटेक्निकल के पास निर्माणाधीन मकान से 18 जनवरी को चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को केसरबाग के जंगलों से बरामद किया। चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद करने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि 18 जनवरी को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास निर्माणाधीन मकान से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गए थे। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि CO सिटी सुरेश सांखला के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम लगातार चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि पंचगांव चौकी प्रभारी राजेंद्र मीणा की सूचना के अनुसार केसरबाग के जंगलों में एक चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है। सूचना पर दबिश देकर मौके से चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर पुलिस को ट्रैक्टर ट्रॉली लावारिस हालत में मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस मौके से फरार चोर की तलाश में भी जुटी हुई है। कल राजस्थान विधानसभा में राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा ने 2-3 मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पशु चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ERPC को लागू करके किसानों के साथ धोखा किया है। लेकिन आपने तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में लगभग 900 करोड़ की योजना चंबल लिफ्ट परियोजना को बंद करने का काम किया। काली तीर चलते रहे, लेकिन एक बूंद किसान को पानी कहीं से नहीं मिला। वह आपकी सरकार थी। स्कूलों में टीचर नहीं थे जब भी आपकी सरकार थी। पशु चिकित्सालय खोला, डॉक्टर नहीं थे जब भी आपकी सरकार थी। युवा बेरोजगार भटकते रहे, रोजगार भत्ता नहीं दिया। किसानों को कर्ज माफ नहीं दिया। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की सीमाएं पार हुई और युवाओं पर झूठ केस लगाए गए। जब आपने सदन में जाकर एक बार भी आवाज नहीं उठाई, अब सारी चीज आपको याद आ रही है। सरकार में रहते एक भी चीज याद नहीं आई। अन्य अत्याचार की सीमाएं अपने पर कर दी। अब आप कौन होते हो सरकार से पूछने वाले, इस सरकार क्या कर रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने किसानों का हित देखते हुए राजस्थान के धौलपुर सहित 13 जिलों में ERCP लागू कर किसान को पानी देने का काम किया। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर किसान को सम्मान देने का काम किया। वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन बढ़ाकर प्रदेश के सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और भलीभांति प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले शर्मा जी पूरा कर रहे हैं। हमें भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हर वर्गों को साथ लेकर काम करेंगे। पिछली सरकार की तरह झूठी घोषणाएं, झूठे वादे नहीं करें।
घड़ियाल अभ्यारण क्षेत्र होने की वजह से चंबल नदी से बजरी निकासी पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है। बजरी पर प्रतिबंध होने के बावजूद देहोली थाना क्षेत्र से बड़े पैमाने पर बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। देहोली थाना क्षेत्र के भूड़ा घाट के साथ कई घाटों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बजरी का अवैध दोहन किया जा रहा है। नाम नहीं छुपाने की शर्त पर बजरी कारोबारी ने बताया कि प्रतिदिन 100 से अधिक संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अवैध बजरी का खनन कर बजरी को उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जाता है। कारोबारी ने बताया कि जब पुलिस पर अभियान के तहत सख्ती आती है तो सभी कारोबारी को सचेत कर कुछ दिन के लिए बजरी दोहन बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद फिर से चंबल नदी से बड़े पैमाने पर बजरी खनन शुरू कर दिया जाता है। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध खनन को रोकने के लिए 100 दिनों तक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अभियान और एसपी के सख्त निर्देशों के बावजूद देहोली क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। पनिया थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे एम्बुलेंस कर्मी लोकेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मनिया के पास सड़क दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया। उन्होंने बताया कि बाइक सवार शक्तिपाल पुत्र मोतीलाल निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश अपनी बेटी कृष्णा पत्नी राजकुमार और उसके 2 बच्चे सागर और ऋषभ को उनके घर पर छोड़ने मनिया थाना क्षेत्र के खेरली गांव जा रहा था, जहां रास्ते में टेम्पो की टक्कर से बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायल हुए सभी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों की गंभीर हालत होने पर उन्हें ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट किया गया। घटना को लेकर मनिया थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरमथरा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। सरमथरा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ACVO रामगोपाल मीणा और ASI जगदीश शर्मा रहे। कार्यक्रम के दौरान भामाशाहों एवं अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा नृत्य, लोकगीत, कविताएं, नाटक आदि का प्रदर्शन किया गया तथा बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ACVO रामगोपाल मीणा ने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने हेतु विचार प्रस्तुत किए एवं ASI जगदीश शर्मा ने बालिकाओं से परिजनों को मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने और किसी भी प्रकार की मदद के लिए 100 नंबर के बारे में जागरूक किया। मंच का संचालन शिक्षक राजू सेन द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ की ओर से व्याख्याता डॉक्टर रंजीत मीणा, शिक्षक पुष्पेंद्र शर्मा, भामाशाह सुरेश गर्ग, गिरिराज मित्तल, जगदीश बंसल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कुहावनी में हुआ वार्षिक उत्सव संपन्न। बाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुहावनी में वार्षिक उत्सव भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में पंचायत प्रारंभिक अधिकारी सिंगरोई रामचरण मीणा व पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी मीणा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण करके किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वरिष्ठ अध्यापक राजेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति राज्य सरकार के आदेश के अनुसार समारोह में विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें छात्रा जिज्ञासा मीणा को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपये की राशि मिलने व 26 जनवरी के दिन दिल्ली परेड में शामिल होने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के पूर्व छात्र अरुण कुमार मीणा के इनकम टैक्स ऑफिसर में चयन होने,
अंकिता मीणा के अध्यापक बनने व विक्रम मीणा के ग्राम विकास अधिकारी के लिए चयन होने पर सम्मानित किया गया। छात्र योगेश कुमार का कुश्ती दंगल में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने व राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 5वीं 8वीं व 10वीं कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि भामाशाह पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा व सरोज शर्मा ने कक्षा 5 तक के बच्चों को स्वेटर वितरित किए। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति व धार्मिक गीतों पर शानदार व मनमोहक नृत्य किए गए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता राजेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी देवी मीणा, धर्म सिंह मीणा, भगवान स्वरूप मीणा, हरिश्चंद्र मीणा, हरिलाल मीणा, प्रताप सिंह जाट, संजय गोयल, संजय मीणा, सुषमा मीणा, किशोर कमला गोयल, सरोज शर्मा, संतोष मीणा, पूजा बंसल, अंकिता मीणा, गुडी देवी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने लॉ कॉलेज धौलपुर किया टॉप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा सत्र 2022-23 के LLB तृतीय वर्ष के घोषित परीक्षा परिणाम में राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के तृतीय वर्ष के छात्र राहुल सिंह जाट ने तीनों वर्षों के परीक्षा परिणाम में 60.81% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं जानवी शर्मा 60.7% अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। राहुल सिंह जाट विधि कॉलेज धौलपुर में छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने अध्यक्ष पद के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए पढ़ाई के स्तर को भी पूरी मेहनत और लगन से सर्वश्रेष्ठ रखा। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने परीक्षा परिणाम देखकर विधि कॉलेज धौलपुर को गौरवान्वित किया। विधि कॉलेज के समस्त स्टाफ ने उनके परीक्षा परिणाम की सराहना करते हुए बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उनका यह परीक्षा परिणाम प्रत्येक छात्र संघ अध्यक्ष के लिए एक अविस्मरणीय उदाहरण है।